मैं किराए के घर पे रहता हूं, क्या मुझे वास्तु कराना चाहिए? देखिए, ये मैटर उसका नहीं है कि आप किराए के घर पे रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं, वास्तु दोनों ही परिस्थितियों में काम करता है। लगभग हिंदुस्तान के अंदर 40-45% लोग ऐसे हैं जो किराए के घरों पर रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो अपना घर होते हुए उन्होंने किराए पर दिया है और वो अपने ही खुद ही ड्यूटी बाहर करते हैं। दोनों ही परिवेश में कभी ऐसा नहीं है कि आपका घर होने से वास्तु काम करता है। दोनों ही पर्सपेक्टिव में चीजों को सही होना बहुत जरूरी है। ये सराउंडिंग होती है जो काम करती है, ये एनवायरनमेंट है जो काम करता है। आप अगर एक ऑफिस में हैं तो ऑफिस का जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा आप रिएक्ट करेंगे। एक टेंपल में होगा, एक मंदिर में होगा, वैसा आप रिएक्ट करेंगे। धर्मशाला में होगा तो आप वैसा रिएक्ट करेंगे। ठीक वैसे ही वास्तु जिस परिवेश में, जहां सराउंडिंग्स जो आपकी हैं वो आपको हैम्पर करती हैं या आपको सपोर्ट करती हैं। ये दिशाओं का लेना देना है इसमें, इसमें ओनरशिप का लेना देना बहुत कम है, बहुत मिनिमल पोर्शन है जो कि इसमें मैटर करेगा। मैंने पुराने भी वीडियोस में ये चीज बताई है कि खाली प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी को ओन करने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। जब भी हम लें, किराए का घर लें या अपना घर लें, दोनों के अंदर दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वस्तु और वास्तु, ये दो माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वास्तु में टेक्निकली काम करते हैं। मैं उतनी डिटेलिंग में आपको नहीं लेके जाना चाहता। देखिए, दिशाएं जब भी हैं, आप अगर किराए के मकान में रहते हैं तो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये सारी ही दिशाएं वहां पर भी होंगी। ये सारी ही दिशाएं हर जगह है कि आप जहां पर भी रहते हैं वहां पे जो भी एडवाइज्ड लोकेशंस हैं, भले बेडरूम की, भले किचन की, भले हमारे मंदिर की, हमारे वॉशरूम की, वो सारी वहां पे पोजीशन होनी लाजमी है। अगर वहां पे नहीं होता है तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव होना लाजमी है, भले आप उसमें किराए पे हैं या अपने घर में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा जो सवाल आता है, कैसा खर्चा करें, बिल्कुल लाजमी सवाल है और ये प्रैक्टिकल सवाल है कि आप अगर वास्तु कराना है तो आप अपने घर का कराएंगे, लेकिन जब किराए के मकान में जाते हैं तो आप 50,000-1,00,000 रुपया आप लगाना नहीं चाहते, लेकिन शायद आप सफाई तो कराना चाहेंगे। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप घर की सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही घर का वास्तु भी वही चीज है। जहां आप रहते हैं उस एनवायरमेंट को आपको पॉजिटिव बना के रखना है, वो भले लाइट से हो, भले वो फ्रेग्रेंस से हो, भले वो खिड़कियां बंद करने से आ रहा हो, खुली करने से आ रहा हो, भले सीनरी से आ रहा हो, वो हर एक पर्सपेक्टिव में आप अगर अपनी प्रॉपर्टी की एनर्जी बना के रखते हैं, वही घर आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी देने शुरू कर देगा। अगर आपके किराए के घर का वास्तु अच्छे से है, अच्छे से बना हुआ है, और आपका अपना घर जिसका वास्तु ठीक नहीं है, वो जो घर आपका अपना है जहाँ वास्तु ठीक नहीं है, वो रिजल्ट कम देगा एज कम्पेयर टू आपके किराए का घर। तो आपकी सपोर्टिव एनर्जीज बहुत काम करती है। किराए के घर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान लिया कि कुछ खिड़कियां गलत जगह पर हैं तो खिड़कियां बंद कर दीजिए, कुछ मान लीजिए कि अगर टॉयलेट वगैरह गलत जगह पर है तो उसके लिए भी प्रॉपरली रेमेडीज अवेलेबल है जो कि आप कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि अवेलेबल है और आप बड़े आराम से खुद उन चीजों की कर सकते हैं। अगर एंट्रेंस डोर ठीक नहीं है, वो कई चीजें आप कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह भी बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ही गलत है कि मैं किराए के घर पर रहता हूं और मैंने नहीं कराना। मान लिया कि आपका एक बहुत बड़ा एक डर रहता है कि हमको कभी भी खाली करा देगा, या पैसे की दिक्कत है, या मुझे सपोर्ट नहीं है, ये दो तीन चीजें बहुत बहुत ज्यादा काम करती हैं। अगर आप इस चीजों को बहुत ज्यादा झेल रहे हैं या बहुत परेशान हैं इन सब चीजों से, तो इसके लिए आपको अपना साउथ डायरेक्शन को देखना बहुत जरूरी है। साउथ डायरेक्शन में जब भी आपको कोई खिड़की होगी या कोई चीजें होंगी या एंटी कलर्स होंगे, वहां से परेशानी होना लाजमी है। साउथ डायरेक्शन को चेक करिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करिए, साउथ ईस्ट को चेक करिए। ये तीन प्रमुख डायरेक्शन हैं जहां से मेजर दिक्कतें आती हैं।
ये तीन डायरेक्शंस आप सही कर लेंगे, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपका सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी बन जाएगी, आपके रिलेशंस ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारी नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन मोर ऑफ हमारे मन की है और हमारे आत्मिक लेवल की है। हमारी जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन मोर ऑफ हमारे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। सबसे पहले जरूरी है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। हम कुछ समय के लिए अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, हमारी जो मेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कुछ समय में हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा घातक हो जाती हैं लॉन्ग टर्म डिप्लीशन में। आपको चाहिए कि दोनों ही की एनर्जी को मेंटेन करके रखें। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना समझे कि किराए के मकान है तो हम उसमें वास्तु नहीं रिक्वायरमेंट है, वही आपको बहुत अच्छे फल दे देगा।